Hello friends, how are you? Welcome to REPUBLICA class. आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेशनल इनकम, इसको देखेंगे. और जो इम्पोर्टेंट एक बातें हैं वह यह कि इकोनॉमिक्स का सारा क्लास आप लोगों को इस रिपब्लिका आईएएस के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा. वहीं पर वीडियो क्लास भी अवेलेबल हो जाएगा, फिर वहीं पर इसका पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा. और जो स्टडी मटेरियल होगा वह काफ़ी सफिशियंट होगा. तो उसके अलावा किसी अन्य बुक्स वगैरह को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिक का. तो सारी की सारी चीज़ें आपको रिपब्लिका आईएएस के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा. यूट्यूब पर डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है. तो इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा करके. किसी भी ढंग की आवश्यकता हो तो व्हाट्सएप नंबर है 7678599093, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. तो आइए हम लोग नेशनल इनकम को तेज़ी से देखते हैं. चूंकि एक समराइज क्लास है, एक वाइंड अप मैं कर रहा हूं जो अभी क्लास करवाया नेशनल इनकम पर, उसको 5 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं. बाकी फुल क्लास जो 1.5-2 घंटे का होगा वह आपको इस पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा. तो आइए तेजी से हम लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम्स, अच्छा ये सारा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होगा इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है. सफिशियंट मटेरियल है, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो आइए हम लोग बोर्ड पर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के संदर्भ में जो हमारे नेशनल इनकम है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व जीडीपी होता है. तो जीडीपी को हम लोग देखेंगे, साथ ही जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को देखेंगे. जीडीपी एक मार्केट प्राइस पर कैसे काम करता है, क्या अंतर है जीडीपी फैक्टर प्राइस में और जीडीपी मार्केट प्राइस में, इसको हम लोग देखेंगे. फिर जीएनपी को देखेंगे, जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसको हम लोग देखेंगे. फिर जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है, क्या मतलब समानता है, क्या डिफरेंसेस है दोनों में. फिर एनडीपी को देखेंगे, एनएनपी को देखेंगे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनता है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ी सी जटिलता है, लेकिन समझ जाएंगे तो इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं आपको लगेगा. थोड़ी सी हिस्ट्री पर अगर हम आएँ तो जो हमारे नेशनल इनकम्स का जो एक शुरुआत मानी जाती है आधुनिक संदर्भ में वह क्या है, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में 1867-68 में इसकी शुरुआत व्यक्तिगत स्तर पर की थी. और अपनी बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में ड्रेन ऑफ वेल्थ की बातें भी की है. नेशनल इनकम्स का वहाँ उन्होंने गणना किया और उस समय में देश की पर कैप इनकम को 20 रुपया बताया. फिर 1911 में आकर के जो एफ सिरास ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की और उस समय पर कैपिटा इनकम 49 रुपीज पाया. उसके बाद फिर आजादी के टाइम में सीएसओ, आजादी के बाद सीएसओ की स्थापना किया था. सीएसओ की स्थापना से पहले से ही जो वीके आरबी राव थे उन्होंने काफी महत्वपूर्ण नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए काम किया, ठीक है. और आज़ादी के बाद जब सीएसओ की स्थापना होती है 1951 में, और सीएसओ को यह काम दिया गया था कि राष्ट्रीय इनकम को वह कैलकुलेट करे, इसी की एक असिस्टेंट हेल्प करने के लिए एनएसएसओ है, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है जो सीएसओ को हेल्प करता है. तो उसी समय एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी जिसके डॉक्टर पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस अध्यक्ष बनाया गया है. डॉक्टर वीके आरवी राव को इसका सदस्य बनाया गया था. फिर साथ ही गाडगिल साहब को इसका सदस्य बनाया गया, ठीक है. और फिर इसके बाद सीएसओ काम करना शुरू करता है. तो हमारा जो राष्ट्रीय नेशनल इनकम का जो वित्त वर्ष है, लेखा वर्ष है, वह माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को. एक इम्पॉर्टेंट चीज जो राष्ट्रीय आय लेखांकन का, हाँ, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम लेखांकन का जो फादर माना जाता है साइमन कुजनेस को माना जाता है. मैं बता चुका हूँ फुल क्लास में, साइमन कुजनेस और अमेरिका के थे
और इसके लिए उन्हें 1971 में नोबेल इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड भी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी हिस्ट्री में हम लोग तेजी से देख चुके हैं, समराइज हमने कर दिया। अब हम लोग आते हैं कि जीडीपी, जीडीपी क्या है? तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत साल, एक साल के अंतर्गत निवासी और अनिवासी के द्वारा, ठीक है, निवासी और देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, निवासी और अनिवासी, उनके द्वारा टोटल गुड्स और सर्विसेज का एक समग्र मूल्य, जो वहां पर वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसका एक समग्र अंतिम मूल्य को हम जीडीपी के रूप में देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के रूप में देखते हैं। चूंकि ये डोमेस्टिक है, इसमें बाहर से जो कोई आय अर्जित करता है, मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है और विदेश रहता है, तो उसके आय को यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, यही चीजें फिर हम इसमें करते हैं, नेशनल में करते हैं, ग्रॉस नेशनल में इस कमी को हम दूर करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर देश के अंतर्गत कोई विदेशी या कोई बाहरी व्यक्ति अगर प्रोडक्शन कर रहा है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके मूल्य को हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी हो गया। अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट है और दूसरा एक मार्केट प्राइस है। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में जो उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादक कारक होता है, कारकों के समग्र मूल्य, ठीक है, वह फैक्टर कॉस्ट होता है। और इस फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, सब्सिडीज, तो जो गवर्नमेंट अनुदान देती है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में, तो उसको सब्सिडीज को तो हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो सरकार का जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसको इंक्लूड हम नहीं करते हैं। वहीं जीडीपी जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस में किसी वस्तु के उत्पादन में जो वस्तु जो प्रयुक्त उत्पादक कारक होता है, तो उसमें यानी साधन लागत, साधन लागत के साथ साथ इसमें जो अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है, शेन बेट वगैरह विभिन्न प्रकार का उत्पाद कर वगैरह, उसको हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसमें जो सब्सिडीज होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं सब्सिडीज को, क्योंकि सब्सिडीज को हमने फैक्टर कॉस्ट में पहले ही ले लिया है। तो साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर, लेकिन माइनस सब्सिडी यानी अनुदान को घटा देते हैं, तो मार्केट प्राइस हमें मिल जाता है। ठीक है, और मार्केट प्राइस अभी सुटेबल है राष्ट्रीय आय की जनगणना के लिए, जो 2015 में जो सीएसओ ने घोषणा किया है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस को अब ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और अब हमारा आधार वर्ष भी बदल चुका है, पहले 2004-05 था, अब हमारा 2011 और 12 हमारा आधार वर्ष के रूप में काम कर रहा है। अब जीएनपी को हम लोग देखें, तो जीएनपी में क्या है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें डोमेस्टिक था तो इसमें नेशनल है, इसमें देश की सीमा के अंदर निवासी हैं या फिर देश के बाहर भी जो भारत के नागरिक हैं, देश के बाहर जो भारत के नागरिक हैं वह आय अर्जन कर रहा है, तो उसके भी उसके द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा या फिर उनके इनकम्स को यहां पर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो देश के अंदर जो बाहर के लोग हैं उनके इनकम को यहां पर घटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब तेजी से देख लें, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो ये क्या है, ये नेट है, यहां पर ग्रॉस था, ग्रॉस था, यहां पर नेट है, शुद्ध है, तो इसमें क्या था, डेप्रिसिएशन को नहीं घटाया गया था, जो यहां पर जो किसी भी वस्तु के उत्पादन जब होता है या सेवा का उत्पादन होता है तो उसका ह्रास भी होता है, जो स्थिर पूंजी का उसमें जो उपभोग किया जाता है उसका धीरे धीरे डेप्रिसिएशन भी होता है, तो इस नेट वाले में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को हम घटा देते हैं। ठीक है, सेम चीजें हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट में भी, यहां भी हम क्या करते हैं, जो नेट जीएनपी है, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को हम घटा देते हैं। ठीक है, यानी ह्रास को घटा दिया, ये जो स्थिर पूंजी उपभोग है या जो ह्रास है, डिप्रिसिएशन हुआ, मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन का प्रत्येक साल डिप्रिसिएशन होता है, हमने मकान खरीदा है तो मकान भी धीरे धीरे डिप्रिसिएट करेगा, उसका मूल्य घटेगा, मशीन का मूल्य घटेगा, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यह आपका एनएनपी हो गया और एनडीपी हो गया। तो इस प्रकार से जीडीपी और सारी चीजों को देखिए। अच्छा, जो राष्ट्रीय गणना होता है उसमें तीनों चीज का उपयोग होता है, उत्पादन विधि का भी, आय विधि का भी और व्यय विधि का भी। ठीक है, व्यय कह लें या फिर उपभोग और बचत विधि कह लें, दोनों तीनों का उपयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि
जो व्यय है विधि है, व्यय गणना विधि है, उस वह सहज रूप से इजली अवेलेबल नहीं हो पाता है आंकड़ा, इसलिए उत्पादन विधि और आय विधि को हम मुख्य रूप से लेते हैं। अच्छा, तो सीएसओ ने जो पूरी अर्थव्यवस्था को छह भाग में बांटा है वह क्या है, छह भाग और 14 उपभाग में बांटा है। वह छह भाग क्या है, तो प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर है, तीसरा है कि तीसरा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है, इसमें ट्रांसपोर्ट भी है, कम्युनिकेशन भी आपका आता है, फिर चौथा उसमें आता है सार्वजनिक और निजी, इसमें आता है सार्वजनिक और निजी, फिर एक है फॉरेन सेक्टर है, तो एक ये है, और एक आपका आता है रियल एस्टेट्स आता है, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट्स। तो अगर क्रम से देखें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर चौथा में आपका फाइनेंस रियल एस्टेट हो गया, पांचवा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हो गया, और छठा में फॉरेन सेक्टर हो गया। तो इस छह सेक्टर में बांट करके सीएसओ पूरी इंडियन इकोनॉमी को देखती है, आय गणना में इसका ख्याल रखती है। तो इस प्रकार से जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, सारी चीज सीएसओ, इसकी की हिस्ट्री है, इसकी सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। एक फुल क्लास आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा जो हमारी रिपब्लिका आईएएस का ऐप है, चूंकि समरी क्लास है, मैं तेजी से बचाया, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां पर आपको क्लियर होगा, उसको आप देख लेंगे, और वहीं से आप स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।